नमस्कार दोस्तों, अपनी इस वीडियो के अंतर्गत डिफेक्ट ऑफ आई आंखों की दोष के बारे में बात करेंगे। आंखों की डिफेक्ट से संबंधित, दोष से संबंधित एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले अपन आंखों के डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। नंबर एक है मायोपिया। मायोपिया या किसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष या शॉर्ट साइट मैच कहते हैं। शॉर्ट साइट मैच कहते हैं। शॉर्ट साइटनेस मायोपिया ये हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष या शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। अभी जो मायोपिया होता है ये आंखों का ऐसा डिफेक्ट है जो जनरली स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में होता है। होशियार आंखों का ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो सामान्यतः स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में होता है। विद्यार्थी जीवन के अंदर मोस्ट कॉमन आंखों का डिफेक्ट मायोपिया होता है। ये मायोपिया क्या होता है, इसके क्या कारण है, इससे संबंधित देखो, ये अपनी आंख का लेंस है और ये अपनी आंख के लेंस को लटकाने वाले तंतु है। ये अपनी आंख का लेंस है, ये लेंस को लटकाने वाले तंतु जोरुला जिन है या लिगामेंट है और ये अपनी आंख का लेंस का मेटेरियल है। अपनी आंख का लेंस पतला, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट 1.4 अपवर्तनांक वाला होता है। किसी भी कारण से अपनी आंख के लेंस को ये लटकाने वाले तंतु यदि हार्ड हो जाते हैं, सॉरी आंख के लेंस को लटकाने वाले तंतु सॉफ्ट हो जाते हैं या कोमल हो गए। कोमल होने के कारण अपनी आंख का लेंस है वो ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ने की वजह से ये अपनी आंख का लेंस है वो स्फेरिकल हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। तो मायोपिया के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अपनी आंख के जो लेंस को लटकाने वाले लिगामेंट या तंतु कैसे हो जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मायोपिया के अंतर्गत अपनी आंख का लेंस के अंतर्गत क्या हो गया, गोलाकार हो गया, कॉन्वेक्सिटी बढ़ गई, अर्थात अपनी आंख के लेंस के अंतर्गत उत्तलता बढ़ गई, अर्थात आंख का लेंस कैसा हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। अपनी आंख के लेंस के गोलाकार होने का मतलब यह है कि अपनी आंख का लेंस है ये लेंस का मुख्य एक्सिस होता है, ये इसका प्रकाशीय अक्ष होता है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण सीधी जानी चाहिए लेकिन लेंस ने प्रकाश की किरण को मुख्य एक्सिस पर झुकाया है। जिस दूरी पर झुकाया है लेंस के प्रकाश की केंद्र से दूरी है, फोकस दूरी कहलाती है और लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को झुकाना लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता कहलाता है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता होती है टी होती है, वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, इतने डायरेक्टर होती है। अपने आंख के लेंस की क्षमता की इकाई होती है वह डायरेक्टर है। तो अपने आंख के लेंस का जब मेटीरियल बढ़ेगा तो मेटीरियल बढ़ने की वजह से आंख के लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात मायोपिया के अंतर्गत अपने आंख के लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। अपने आंख के लेंस की क्षमता बढ़ने की वजह से अपने आंख के लेंस की क्षमता बढ़ने की वजह से ये अपनी आंख का लेंस एक सामान्य व्यक्ति के अंतर्गत आंख के अंतर्गत जो प्रतिबिंब बनता है, लेंस पर गिरने वाला सारा का सारा प्रकाश है वो रेटिना पर गिरता है, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये रेटिना के अंतर्गत और अपने प्रकाश केंद्र के बीच की फोकस दूरी एफ है सामान्य। लेकिन आंख का लेंस जब ज्यादा गोलाकार हो गया, जब उसकी पावर बढ़ गई, प्रकाश की किरण ज्यादा झुक जाती है,
ज्यादा झुकने की वजह से अपनी आंख के अंतर्गत प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लग जाता है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है, अर्थात मायोपिया के अंतर्गत जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन रहा है, अर्थात फोकस दूरी वो घट जाती है, एफ डैश की तुलना में एफ ज्यादा होती है। ये अपनी आंख का रेटिना है, रेटिना। मायोपिया के अंतर्गत प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, इसका इसका नाम रखा गया है निकट, निकट मन पहले, दृष्टि में रेटिना, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनने का दोष है, इसका इसको मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो सामान्यतः इसकी जो क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट लाइफ में आंखों का कौन सा डिफेक्ट होता है, मायोपिया। मायोपिया के अंतर्गत लेंस को लटकाने वाले तंतु कैसे जाते हैं, सॉफ्ट। मायोपिया के अंतर्गत आंख का लेंस कैसे हो जाता है, गोलाकार। मायोपिया के अंतर्गत लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मायोपिया में फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। मायोपिया में प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना से पहले बनता है, इस कारण इसका नाम निकट दृष्टि दोष रखा जाता है। अब देखो इस मायोपिया के अंतर्गत आंख का लेंस है वो गोलाकार हो गया, इस कारण जितना आंख का लेंस गोलाकार हुआ है, जितनी उसकी क्षमता बढ़ी है, जितनी उसकी फोकस दूरी घटी है, उतनी ही विपरीत प्रकृति का चपटा अर्थात अवतल, चपटा अर्थात अवतल अर्थात कौन की लेंस की चश्मा प्रयोग की जाती है, कौन की लेंस की चश्मा का प्रयोग किया जाता है। और मायोपिया को हटाने के लिए मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है क्यूलासिक तकनीक, इस तकनीकी के द्वारा मायोपिया को आराम से इलाज किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, अर्थात इस चश्मा को हटाया जा सकता है। तो ये अपनी आंख का पहला डिफेक्ट है, पहला दोष है। आंख का जो दूसरा डिफेक्ट है, सेकंड डिफेक्ट है, वह हाइपरमेट्रोपिया। आंख का दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, या इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या इसी को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं, या इसको लॉन्ग साइड नेस कहते हैं, लॉन्ग साइड नेस। ये जो आंख का डिफेक्ट है वो दोष है वो लगभग 45 से 50 की एज के आसपास होता है। ये डिफेक्ट है ये टोटली मायोपिया के उल्टा होता है। इसके अंतर्गत ये अपनी आंख का लेंस है, ये लेंस को लटकाने वाले तंतु है, इसके अंतर्गत ये अपनी आंख को लेंस को लटकाने वाले जो ये लिगामेंट है, तंतु है, ये हार्ड हो जाते हैं, जबकि मायोपिया में कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दूसरा, मायोपिया में आंख का लेंस गोलाकार होता है, लेकिन इसमें ये लटकाने वाले तंतु हार्ड होने की वजह से लेंस खींचता है, खींचने की वजह से ये अपना लेंस है वो फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। अपनी आंख का लेंस कैसा हो जाता है, चपटा। और चपटा होने का मतलब है आंख के अंदर का जो मेटीरियल है वो कम हुआ है, और मेटीरियल कम होने का मतलब है अपने लेंस की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, और अपने आंख की लेंस की क्षमता जो पावर होती है वो फोकस दूरी की उल्टी होती है। पावर बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर, ये डायरेक्टर, इतनी आंख की लेंस की क्षमता है। यहाँ पर लेंस की क्षमता घटी है, इसका मतलब फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो हाइपरमेट्रोपिया में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ने की वजह से अपनी आंख के अंतर्गत नॉर्मली जो प्रतिबिंब बनता है वो तो बनता है रेटिना। ये फोकस दूरी नॉर्मली है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब है रेटिना से दूर बनता, क्योंकि क्षमता घट गई, लेंस चपटा हो गया, इसका ये फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है। ये एफ डैश है, एफ डैश ग्रेटर देन एफ, फोकस दूरी बढ़ गई,
इस समय प्रतिबिंब अपने रेटिना से ही रेटिना रेटिना से बाहर बनता है, रेटिना से दूर बनता है। इस समय इसका नाम रखा गया है दूर, रेटिना से दूर देखने का दोष, रेटिना से दूर प्रतिबिंब बना है। इस समय इसका नाम रखा गया है दूर दृष्टि दोष, क्योंकि इमेज रेटिना से बाहर की ओर बनती है, इसका इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इस डिफेक्ट को, इस दोष को दूर करने के लिए जितना अपनी आंख का लेंस चपटा हो गया उतना ही उसकी विपरीत प्रकृति का गोलाकार लेंस, गोलाकार लेंस, और गोलाकार लेंस होता है उत्तल, मतलब उत्तल लेंस, उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की चश्मा लगाते हैं। अब अपना जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों धनात्मक होती है। इसका कोई भी व्यक्ति यदि हाइपरमेट्रोपिया है, उस व्यक्ति की जो चश्मा लगी होती है उसकी क्षमता, उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। यदि किसी व्यक्ति की हाइपरमेट्रोपिया है तो हाइपरमेट्रोपिया में लेंस की क्षमता और लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, क्योंकि आउटर लेंस होता है। इस कारण किसी भी व्यक्ति की मायोपिया है उसके जो चश्मा के नंबर होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, उसकी जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक है, लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। इस प्रकार मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये अपनी आंख के दो दोष कंप्लीट हो गए। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं आंख के तीसरे डिफेक्ट के बारे में, थर्ड डिफेक्ट। आंख का तीसरा डिफेक्ट है वो जनरली बुढ़ापन होता है, वृद्धावस्था में। अब वृद्धावस्था के अंतर्गत क्या होता है, नहीं तो पास का दिखता और नहीं दूर का दिखता। मायोपिया के अंतर्गत तो दूर का साफ नहीं दिखता जबकि पास का साफ दिखता। इसके विपरीत हाइपरमेट्रोपिया में पास का साफ नहीं दिखता। देखो जैसे अपन घर जाते हैं तो अपने दादा या दादी या मम्मी पापा जब सुई पोते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता, इसका मतलब उनको पास का नहीं दिख रहा, दूर का साफ दिख रहा है, अर्थात ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। जब एज बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे अपने दादा या दादी है उनको क्या होता है, नहीं तो पास का साफ दिखता है दूर का साफ दिखता, अर्थात उनको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो गए। जब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो जाते हैं तो उसको आंख का थर्ड डिफेक्ट, तीसरा डिफेक्ट प्रेसबायोपिया कहते हैं, प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, या इसी को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन आता है कि आंखों का ऐसा कौन सा दोष है कि ज्यादा उम्र में, जरा बुढ़ापन, वृद्धावस्था में होता है। वृद्धावस्था में कौन सा होता है, प्रेसबायोपिया होता है। इस डिफेक्ट के अंतर्गत ये अपनी आंख का लेंस है और ये आंख की लेंस को लटकाने वाले तंतु है, इन तंतुओं में से कुछ तंतु हार्ड हो जाते हैं और कुछ तंतु सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट प्लस हार्ड दोनों हो गए, जिसके कारण अपनी आंख के अंतर्गत ये अपना लेंस है और लेंस के द्वारा जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है नॉर्मली अपनी आंख के अंतर्गत जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, लेकिन इस डिफेक्ट के अंतर्गत प्रतिबिंब न तो साफ रेटिना से पहले बनता है न साफ रेटिना से दूर बनता है, दोनों तरफ भी साफ नहीं बनता। इसका न पास का साफ दिखता है न दूर का साफ दिखता है। इस डिफेक्ट को, इस दोष को दूर करने के लिए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट करते हैं। इसका नाम कभी भी बूढ़े आदमी के जब चश्मा देखोगे तो उसके अंतर्गत बीच में एक पट्टी लगी होती है, अर्थात इसके अंतर्गत ये अपन जो लेंस लगाते हैं वो इस प्रकार से होती है, ये बीच में पट्टी होती है। ऊपर का जो पार्ट है दूर की वस्तु को देखने में काम आता है, ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। ऊपर का जो पार्ट है चश्मा का वो दूर की वस्तु को देखने में काम आता है। इसका दूर की वस्तु को साफ देखने के लिए अपन मायोपिया के अंदर जो लेंस लगाया था कॉर्निया का या अवतल लेंस का,
अर्थात प्रेसबायोपिया के अंतर्गत जो चश्मा लगाते हैं उसका ऊपरी भाग होता है वह आउटर लेंस होता है और नीचे का भाग है पास की वस्तु साफ देखने के लिए लगा दी और पास की वस्तु साफ देखने के लिए कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार उत्तल और अवतल दोनों लेंस एक साथ काम में लेते हैं, दोनों को मिलाकर के बाईफोकल लेंस कहते हैं, बाईफोकल लेंस कहते हैं अर्थात द्विफोकसी लेंस कहते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार देखो मायोपिया में अवतल, हाइपरमेट्रोपिया के अंतर्गत उत्तल और प्रेसबायोपिया के अंतर्गत बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आंखों के तीन डिफेक्ट है कंप्लीट हो गई। अब अपन डिस्कस करेंगे चौथे डिफेक्ट के बारे में। ये आंखों का जो फोर्थ डिफेक्ट है इसको एस्टिगमैटिज्म या इसको अति बिंदुकता कहते हैं, अति बिंदुकता एस्टिगमैटिज्म या अति बिंदुकता कहते हैं। आंखों का जो ये डिफेक्ट है इस डिफेक्ट के अंदर ये अपनी आंख का कॉर्निया, आंख का सस बार के फूला हुआ की कॉर्निया, कॉर्निया इस कॉर्निया के अंदर किसी भी कारण से कर्वेचर आ जाता है, वक्रता आ जाती है और इसमें वक्रता आने के कारण जो अपनी आंख के अंदर की रेटिना है, रेटिना और इस रेटिना पर जनरली अपनी आंख के लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है फोविया सेंट्रलिस के ऊपर। लेकिन इस कॉर्निया में कर्वेचर के कारण ये आंख के अंदर प्रतिबिंब में फोविया सेंट्रलिस पे नहीं बन पाता, इससे थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसके कारण क्या होता है दोनों प्लेन एक साथ नहीं दिख पाता, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक तल में दिखने में परेशानी रहती है, उसको अपन अति बिंदुकता कहते हैं। इस अति बिंदुकता के डिफेक्ट को दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस काम में आता है, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार चार डिफेक्ट है जिसके अंतर्गत मायोपिया के अंतर्गत यूज करते हैं अवतल, हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल, प्रेसबायोपिया के अंतर्गत यूज करते हैं अपन बाइफोकल और एस्टिगमैटिज्म को यूज करते हैं सिलेंड्रिकल। इस प्रकार आंखों के चार डिफेक्ट हो गए। पांचवा जो आंखों का अपन डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं, आंखों के जो पांचवा डिफेक्ट है वह अपन बात करते हैं विटामिन ए की कमी से आंखों के कौन कौन से डिफेक्ट है। अपनी आंख को प्रभावित करने वाला सबसे ज्यादा है वह विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से आंख के अंदर जो डिफेक्ट होती है उनके अंदर एक नंबर अपन बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस का, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं रतुन, रतुन भी अंतर्गत मतलब होता है प्रकाश में साफ दिखता है, प्रकाश में दिखता है लेकिन अंधेरे में नहीं दिखता, प्रकाश में दिखता है लेकिन अंधेरे में नहीं दिखता। अर्थात यदि कोई व्यक्ति दिन में तो साफ दिखता है लेकिन शाम ढलते ढलते उसको धुंधलापन दिखने लग जाता है। धुंधलापन क्यों दिखता है, कारण क्या है, विटामिन ए की कमी होने से, विटामिन ए की कमी से आम के अंदर रोडोप्सिन, रोडोप्सिन वर्णक की कमी हो जाती है और रोडोप्सिन वर्णक की कमी क्यों होगी, कारण क्या है कि विटामिन ए की कमी से रोड सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता और रोड सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता ये रोड अपनी आम के अंदर अंधेरे में देखने में सहायक होती है, इसका अपने को अंधेरे में साफ नहीं दिख पाता। यदि आपको पूछे कौन से विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस कमी है, विटामिन ए की कमी से, कौन से वर्णक के कारण नाइट ब्लाइंडनेस का है, रोडोप्सिन वर्णक की कमी के कारण, और कौन से सेल की कमी के कारण,
आंख की रोड सेल या जो संलग्नक कोशिका है उसकी कमी के कारण रतन मिलता है। विटामिन ए की कमी से दूसरा जो होता है वह जीरोथैलेमिया है। इस जीरोथैलेमिया को आंखों का सूखा रोग कहते हैं। विटामिन ए की कमी से आंखों में ड्राई कलर सूखा आना लगता है, जिससे इचिंग होती, खुजली चलती, आंखें लाल हो जाती, आंखों के अंदर एलर्जी, खुजली, ड्राइनेस का इसी सूखापन ये जीरोथैलेमिया कहलाता है, जो विटामिन ए की कमी से होता है। आंखों का विटामिन ए की कमी से तीसरा डिफेक्ट होता है किरेटोमेलेसिया। इस किरेटोमेलेसिया के अंतर्गत जो अपनी आंख है, आंख के ढक्कन पिपली के अंदर का जो गुलाबी रंग का परत लेयर है, जो अपन कई बार बच्चों को डराने के अंतर्गत काम में लेते हैं, उसका पिंकिश गुलाबी रंग के अंतर्गत किरेटिन का जमा हो जाता है, और किरेटिन का जमना ही किरेटोमेलेसिया, किरेटिन जम जाता है। किरेटिन का जमना क्या कहलाता है? किरेटोमेलेसिया कहलाता है। यह विटामिन ए की कमी से बायोटिस्क हो जाता है। बायोटिस्क आंख के अंतर्गत सफेद फ्री प्रजाति, तो आंख में जो त्रिकोणाकार सफेद फ्री जो पड़ती है, उस फ्री पड़ने का कारण क्या होता है? विटामिन ए की कमी होती है। इस प्रकार देखो, विटामिन ए आंखों के सामान्य ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसका जो साउथ अफ्रीका के अंदर लोग पॉलिश चावल खाते थे, और पॉलिश के चावल खाने से एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स के अंदर आंखों की दोष उत्पन्न हो गए थे। इसका अपनी जेल प्रौद्योगिकी ने बायोटेक ने एक चावलों की बहुत इंपॉर्टेंट किस्म डेवलप की थी, और उस चावलों की जो किस्म थी वो बीटा कैरोटीन प्रचुर थी, बीटा कैरोटीन प्रचुर थी। पिछली बार आर एस अंतर्गत क्वेश्चन पूछा था कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार की गई वो चावल की कौन सी किस्म थी जो बीटा कैरोटीन प्रचुर थी, अर्थात विटामिन ए प्रचुर थी। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ण रूप है, क्योंकि अपन जो कुछ खाते हैं, जैसे अपने गाजर खाया, और गाजर खाने से अपने शरीर के अंदर क्या बनता है? बीटा कैरोटीन बनता है, और इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में चेंज करता है अपना लीवर या यकृत करता है, अर्थात विटामिन ए का प्रीकर्स क्या है? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन है। और बायोटेक ने जो चावल की किस्म तैयार की थी वो उसका नाम है गोल्डन राइस, सुनहरी चावल की किस्म, और जो सुनहरी चावल की किस्म गोल्डन राइस है, बीटा कैरोटीन विटामिन ए से प्रचुर थी। इसका साउथ अफ्रीका के पॉपुलेशन के अंदर पुलिस के चावल खाने से, उस किस्म के प्रयोग करने से अनेकों लोगों के अंतर्गत, अनेकों पॉपुलेशन के अंतर्गत आंखों के दोष दूर हो गए थे। उसी प्रकार अपने राजस्थान के अंतर्गत स्पेशली सफेद मक्का का उत्पादन होता है। जो लोग सफेद मक्का का ज्यादा सेवन करता है उनके अंतर्गत विटामिन ए की कमी हो जाती है, और विटामिन ए की कमी होने से आंखों के दोष, आंखों के डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अपन ने बात की है कि विटामिन ए की कमी से आंखों के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं। इसके बाद के अंदर अपन बात करते हैं आंख का आगे वाला डिफेक्ट। आगे वाला डिफेक्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। आंखों का आगे वाला डिफेक्ट है वह ट्रैकोमा है। ट्रैकोमा एक बहुत बड़ा विवादित क्वेश्चन है। ट्रैकोमा एक आंखों का ऐसा डिफेक्ट है जो विश्व में अंधता, अंधापन, अंधता का, ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण बनता है। ट्रैकोमा का जो कारण है एक सूक्ष्म जीव है, ट्रैकोमा क्लेमाइडिस कहते हैं उसको। पहले इसको ऐसा मानते थे कि ये एक प्रकार का वायरस है, और अब वर्तमान में इसको एक प्रकार का बैक्टीरिया मानते हैं। वास्तविक रिकेटेसी प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु, और पुराने टाइम में इसको वायरस माना जाता था। एट प्रेजेंट इसको जीवाणु और विषाणु के बीच की फ्यूजन कड़ी भी मानते हैं। इसका यदि आपको पूछे कि ट्रैकोमा का कारण क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट देखें तो एक वायरस है, विषाणु, और वर्तमान के अनुसार देखें तो एक बैक्टीरिया
या जीवाणु विषाणु के बीच की योजक कड़ी है ट्रेकोमा क्लैमाइडिया, जो विश्व में अंधापन अंधता का मुख्य कारण बनता है। ये सूक्ष्म जीवों जनित आंखों का एक प्रकार का डिफेक्ट था, एक प्रकार का दोष था। अगले वाला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंखों का ऐसा कौन सा डिफेक्ट है, ऐसा कौन सा दोष है जो हेरिडिटिकल होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, हेरिडिटिकल होता है, वो आंखों का जो रोग होता है, दोष होता है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, या इसको अर्धों भी कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस का, या इसको रतुन भी कहते हैं। इस रतुन से संबंधित पहला जो क्वेश्चन आता है, रतुन भी कहते हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले वाला जो आंखों का डिफेक्ट है दोस्त है कलर ब्लाइंडनेस का, कलर ब्लाइंडनेस का वो सॉरी रतुन भी वर्णांधता कहते हैं, वर्णांधता। वर्णांधता के अंतर्गत देखो तीन प्रकार की वर्णांधता की, प्रोटोनोपिया, डिटोरोनोपिया, ट्राइटोनोपिया। इस वर्णांधता के अंतर्गत देखो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी रोगी है, तो वो अंगों में अंतर नहीं कर पाता। इस डिफेक्ट के अंतर्गत बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो अंगों में अंतर नहीं कर पाता, अंगों में अंतर नहीं कर पाता। अब देखो इसके अंतर्गत रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, इसका एक वर्णांध व्यक्ति को, कलर ब्लाइंड व्यक्ति को कभी भी रेलवे डिपार्टमेंट में, मेडिकल में सर्जरी ब्रांच के अंतर्गत और डिफेंस के अंतर्गत, नेवी है, आर्मी है, सीडीएस है, एनडीए है, जो भी डिफेंस लाइन की भर्ती उसके अंतर्गत वर्णांध व्यक्ति को नहीं किया जाता है। और वर्णांध का एक प्रकार का जेनेटिकल रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। आंखों का एक आंशिक रोग है, इस डिफेक्ट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई भी इलाज नहीं, इसका नहीं, इस डिफेक्ट के अंतर्गत किसी प्रकार की लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका केवल क्वेश्चन आता है कि इस रतन सॉरी कलर ब्लाइंडनेस से वर्णांधता के अंतर्गत कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उत्तल, अवतल, बायफोकल, नन। इसका आंसर नन होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की लेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति वर्णांध है या नहीं है इसका इसकी जांच के लिए कार्ड आता है, उस कार्ड का नाम है इशारा कार्ड। इशारा कार्ड के द्वारा इसकी जांच की जाती है, जिससे ये बात का पता चल जाता है कि वो व्यक्ति वर्णांध है या नहीं। तो ये आंखों का हेरिडिटरी डिजीज था, आंखों का एक आंशिक बीमारी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर थी। इसके बाद के अंतर्गत आगे वाला एक आंखों का डिफेक्ट होता है काला पानी रोग, नेत्र का काला पानी रोग, या इसको ग्लूकोमा कहते हैं, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के अंतर्गत देखो ये अपनी आंख का लेंस है और इधर अपना प्यूपिल था, प्यूपिल और लेंस के बीच के अंतर्गत एक चैम्बर बन गया था, इसका नाम था जली कक्ष। इसमें भरा हुआ द्रव है जली द्रव, एक्वस लिक्विड है। ये अपना रेटिना है और रेटिना और इसके बीच के अंतर्गत ये अपना अंदर की जो परत थी रेटिना थी, और ये जो द्रव था ये काचा द्रव था, काचा द्रव। नेचुरली अपने आंख के अंतर्गत ये दोनों द्रव है आंख के लेंस के ऊपर, आंख के रेटिना के ऊपर दाग लगाते हैं, और अपने आंख के अंतर्गत लेंस या रेटिना पर नेचुरली जो दाग लगता है वो दी इंट्रा ओक्युलर प्रेशर कहलाता है, इंट्रा ओक्युलर प्रेशर, और इसका मान 0 से 17 mmHg होता है, नेचुरली 0 से 17 mmHg होता है। लेकिन किसी व्यक्ति के अंतर्गत आंख में इंफेक्शन होने की वजह से, आंख में संक्रमण होने की वजह से यदि इसके अंतर्गत अंदर का मेटेरियल बढ़ता है तो लेंस के ऊपर और रेटिना के ऊपर दाब बढ़ता है, जिसके कारण अपना रेटिना या लेंस क्षतिग्रस्त हो जाता है। आंख में भरे द्रवों की मात्रा बढ़ने से संक्रमण की वजह से आंख के रेटिना या आंख के लेंस का क्षतिग्रस्त उदाहरण देने लेना ग्लूकोमा या काला पानी रोग कहलाता है। ये नेत्र का काला पानी रोग है।
इसके अलावा देखो अपनी आंख का जो पलक है उसके अंदर की जो पिंक इस गुलाबी रंग की जो परत है वो कंजंक्टिवा कहलाती है। इस कंजंक्टिवा में जब संक्रमण हो जाता है तो उसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये बार क्वेश्चन आता है कि कंजंक्टिवाइटिस है वो किससे संबंधित है, तो कंजंक्टिवाइटिस है अपनी आंख से संबंधित एक प्रकार का क्या होता है संक्रमण पर एक प्रकार का डिफेक्ट एक प्रकार का दोष है। इस प्रकार अपने आंखों से संबंधित डिफेक्ट के बारे में बात की है। मोस्ट कॉमन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया प्रेसबायोपिया ये मोस्ट कॉमन एस्टिगमैटिज्म इनके बारे में पूछा जाता है।